साल 2023 इंडियन सिनेमा के लिए एक लकी साल साबित हुआ है। आपको बताते हैं कौन सी है वो टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है बॉक्स ऑफिस पर। सबसे पहले नंबर 10 पर है पोनियन सेल्वन। जी हाँ, पोनियन सेल्वन पार्ट 2 इस फिल्म ने की है सबसे ज्यादा कमाई 10वें नंबर पर। 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कमाए हैं वर्ल्ड वाइड 344 करोड़ रुपए। 9वें नंबर पर अगर हम बात करें कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट की, तो ये है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। जी हाँ, इस कॉमेडी ड्रामा रोमांस से भरी फिल्म ने कमाए हैं 357 करोड़ वर्ल्ड वाइड, जबकि 150 करोड़ के बजट में ये बनी थी, यानी दोगुनी से भी कहीं ज्यादा कमाई। अब बात आदि पुरुष की। जी हाँ, तमाम विवादों के बावजूद 8वें नंबर पर है इस साल ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई के मामले में। 400 करोड़ के बजट में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाए हैं 395 करोड़ से कहीं ज्यादा। प्री रिलीज बिजनेस ही कर लिया है 240 करोड़। हालांकि इसे फ्लॉप का वर्डिक्ट दिया गया, लेकिन कमाई के मामले में 8वें नंबर को अपने पास रखने में कायम रही है ये फिल्म। 7वें नंबर पर टाइगर 3 है। जी हाँ, टाइगर 3 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 466 करोड़ वर्ल्ड वाइड का बिजनेस किया है। 6ठे नंबर की बात करें तो ये है जेलर। जी हाँ, रजनीकांत थलाइवा की जेलर। 180 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 605 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। समझा जा सकता है कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है ये फिल्म, और 2023 की टॉप कमाई वाली फिल्मों में नंबर 6 पर है रजनीकांत की जेलर। नंबर 5 पर है कमाई के मामले में लियो, जबरदस्त एक्शन क्राइम ड्रामा। इस फिल्म में 225 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 618 करोड़ से कहीं ज्यादा पैसा कमा लिया है, यानी कि लगभग तिगुने के बराबर कमाई कर ली है। और लियो बनी 2023 की 5वें नंबर की सबसे बड़ी ग्रॉसिंग फिल्म। 4ठे नंबर पर बात करें तो ये है सनी पाजी की गदर 2। जी हाँ, किसने सोचा था कि सालों बाद इस तरह कमबैक करेंगे सनी, और 2023 में उनकी फिल्म बनेगी 4ठे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। महज 85 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 687 करोड़ से ज्यादा कमा लिए वर्ल्ड वाइड और बन गई है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। आइए अब टॉप 3 की बात कर लें। तो जी हाँ, टॉप 3 में है तीसरे नंबर पर है एनिमल पार्ट 1। जी हाँ, 150 करोड़ की इस फिल्म ने कमा लिए 817 करोड़ से ज्यादा। ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक के आंकड़े 2023 में, और एनिमल ने अब तक 817 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं, और नंबर 3 की फिल्म है ये सबसे ज्यादा कमाई के मामले में। नंबर 2 है शाहरुख की पठान। इसमें कहने की बात ही नहीं है कि 1050 करोड़ की कमाई कर ली 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने। और नंबर 2 पर है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भारतीय सिनेमा की। और वहीं नंबर 1 पर भी है किंग खान की जवान, जिसने अपनी ही इस फिल्म को दी टक्कर, और 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 1152 करोड़ रुपए कमा लिए, और इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है अब तक। तो दिसंबर सेकंड वीक 2023 के ये आंकड़े हैं। जवान है नंबर 1 पर टॉप 10 फिल्में इंडियन सिनेमा की जिसने सबसे ज्यादा कमाई की 2023 में।